तो सरहद से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां परंपरा के अनुसार हर बार गणतंत्र दिवस के मौके पर और ख़ास मौक़ों पर अटारी बॉर्डर पर इसी तरीके से पाक रेंजर्स को मिठाइयों का डब्बा भेंट किया जाता है। और इस भारत के मुबारक मौके पर पाक रेंजर्स और बीएसएफ के जवानों में ये मिठाइयों का आदान प्रदान हर बार देखने को मिलता है। तो तस्वीरें अटारी बॉर्डर से सामने आई हैं, जहाँ 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स को मिठाइयाँ बांटी और सरहद पर तिरंगा फहराया। जेसीपी अटारी ने शांति और सौहार्द बनाए राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में एक अलग पहचान बनाई है, जहां हर शाम होने वाली रिट्रीट सेरेमनी परेड और हमारे साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में देशवासी आते हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इन द बेस्ट ऑफ द ट्रेडिशंस एज अ पीस लविंग कंट्री बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को भी स्वीट्स और ग्रीटिंग्स ऑफर किए हैं। जीवन पर्यंत कर्तव्य के अपने मोटो को सार्थक करते हुए बीएसएफ एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर है। जय हिंद। रिपब्लिक डे के मौके पर जम्मू ऑक्सट्रॉय पोस्ट पर बीएसएफ की तरफ से तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर बीएसएफ जवानों को का जोश आसमान छू रहा था और स्थानीय महिलाओं और बीएसएफ जवानों ने देशभक्ति के गानों पर खूब डांस किया। इस मौके पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ऑक्सट्रॉय पोस्ट पर मिठाइयों का भी आदान प्रदान हुआ। बीएसएफ के डीआईजी ने बताया कि बीएसएफ के जवान सीमा पर डटे हुए हैं और देश के लोग चैन की नींद सो सकते हैं और खुशी खुशी रिपब्लिक डे मना सकते हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में आज मिठाई का जो है आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ये वो एक मैसेज देते हैं कि आज जो देश का हमारा संविधान बना है, उसमें हम चाहते हैं सब देश शांति से उनके साथ रहें, हिंदुस्तान के साथ चले, लेकिन जो शांति नहीं चाहता है उसको जवाब भी दिया जाता है। आपको बता दूं कि यही वो ट्रेड लिंक था जो सियालकोट और जम्मू के बीच में था और उसके साथ साथ जो है ट्रेन भी यहां से आती थी, जम्मू आती थी, लेकिन जब विभाजन हुआ उसके बाद ट्रेन लिंक था वो बंद हो गया और जो ट्रेड था, जो व्यापार होता था जम्मू और सियालकोट में, वो भी बंद हो गया। लेकिन इसका एक इतिहास है, हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं वो आज मिठाई दी गई है पाकिस्तान को और उनको शांति का संदेश दिया गया है। उनको ये बताया गया है कि हिंदुस्तान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन जो बीएसएफ जवान हैं यदि उनको चैलेंज किया जाएगा, यदि चुनौती दी जाएगी सुरक्षा को, तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से भी मिठाई जो है आज लाई गई है। आपको दिखाते हैं कि ये मिठाई पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई है, जो पाकिस्तान की तरफ से आई है, और ये संदेश पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया है कि वहाँ हम शांति चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिठाई आज बांटी गई है आपस में, ये हमेशा हर साल होता है, और लेकिन हालांकि पाकिस्तान उसके बावजूद घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, लेकिन एक जवाब हमेशा ये दिया जाता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी जो सुरक्षा को, सिक्योरिटी को चुनौती देगा, तो हम तैनात हैं जवाब देने के लिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।